दोस्तों, अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट आप लोग पक्का से दीजिए, क्योंकि इस मॉक टेस्ट से आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोगों के प्रिपरेशंस का लेवल क्या है। मॉक के लास्ट पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या स्कोर इस मॉक टेस्ट के लिए एकदम बेस्ट स्कोर है सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, लोहे का शुद्धतम रूप है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉट आयरन, पिटवा लोहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु कंपोज्ड दी गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वामित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन इज नोन एज दी राइस बाउल ऑफ इंडिया। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज दी पॉलिसी ऑफ। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर किसकी नीति थी? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिटलर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल निकाय अलग करता है? मैं ऑप्शन दिखा देता हूं सारे आपको, ये देखिए। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पूर्व राज्य कौन सा है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। फ्रीडम बिहाइंड बार पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किरण बेदी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। भूकंप की उत्पत्ति का स्थान कहलाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोकस। फोकस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट इज कॉल्ड दी क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13।
इन फायरवर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, आतिशबाजी में हरा रंग की लौ का उत्पादन किससे किया जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेरियम। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज, बाहरी अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री आकाश को किस रूप में देखेगा? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लैक, काला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, प्राणी विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरिस्टोटल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। विथ विच गेम डज डेविस कप इज एसोसिएटेड, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रेलवे पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट, रेलवे यात्री डब्बों का निर्माण कहां किया जाता है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है पेरम्बूर, ऑप्शन सी, पेरम्बूर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का बोलता है, द मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द प्लेन इज, मैदानी इलाकों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण है। ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 33%। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? चलिए ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाइड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूं, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे बड़ी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल, निम्नलिखित में से किसके पास कोई कंकाल नहीं है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेली फिश। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 22। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, भारत के किस राज्य में सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा लगून है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिल्का लगून। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू विच पीरियड, अजंता पेंटिंग किस काल की है?
फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्ता पीरियड, ऑप्शन बी गुप्त काल। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द बुक इज रिटन बाय कपिल देव, कपिल देव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिकेट माय स्टाइल, क्रिकेट माय स्टाइल, क्रिकेट मेरी शैली बुक कपिल देव ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और जिन भी लोगों ने इस आज के इस टेस्ट पे 23 एंड अबव स्कोर किया है उन लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है। जिनका स्कोर 20 से 22 के बीच पे रहा, मतलब 20, 21, 22, आप लोगों का स्कोर एवरेज है, गुड है, मतलब आप लोगों का जीके अच्छा है। जिनका स्कोर 18 से 20 तक के बीच पे रहा, 18-19 रहा, फ्रेंड्स आप लोगों का जीके का लेवल अभी एवरेज है, आप लोगों को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जिनका स्कोर 17 और 17 से कम रहा, फ्रेंड्स अभी आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तो होपफुली आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।